नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। आइए शुरुआत करते हैं देश की कुछ खास खबरों से। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के सामने कोरोना लहर की आवाज दबी नजर आ रही है, मगर चुनावी वादों में अब जाकर कोरोना और उसकी वैक्सीन चर्चा में आई है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अगर पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनती है तो बंगाल के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसी तरह चुनावी वादा किया था। हालांकि भाजपा के ऐलान के बाद टीएमसी ने पलटवार किया और इसे भाजपा का जुमला करार दिया है। 26 अप्रैल को 34 सीटों पर होने वाले सातवें चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा ने फ्री वैक्सीन का वादा किया। बंगाल भाजपा ने एक ट्वीट में कहा कि अगर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। बता दें कि 29 अप्रैल को आठवें चरण का मतदान है और उसके बाद चुनावी दंगल खत्म हो जाएगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। हालांकि भाजपा के फ्री वैक्सीन के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि नवम्बर 2020 में बिहार में सत्ता आने के तुरंत बाद ही भाजपा की सरकार बिहार में फ्री वैक्सीन के अपने वादे को भूल गई। बता दें कि बिहार चुनाव के वक्त भाजपा ने वादा किया था कि अगर फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो वह बिहार के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन मुहैया कराएगी। देश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।